नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का आयुर्वेदिक बाबा में। मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, सर्दियाँ की मौसम आ गई है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सर्दियों के मौसम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों अब मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। सर्दियों के मौसम में अक्सर आपके स्किन रूखेपन हो जाते हैं या पैर की एड़ियाँ भी फटी हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं घरेलू उपाय लेकर आया हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये घरेलू उपाय 5 तरीकों में है। पहला, ग्लिसरीन एक उम्दा मॉइस्चराइजर का काम करती है। इसमें गुलाब जल के साथ मिलाकर उपयोग करें। रोज सोने से पहले पैरों को साफ करके अच्छी तरह लगाएं। धीरे धीरे यह आपकी कड़ी एवं खुरदरी एड़ियों को चिकना कर देगी। दूसरा, तेल की मालिश त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होती है। रात में पैरों को साफ करके जैतून के तेल या नारियल के तेल या किसी भी अच्छे तरह क्वालिटी के तेल से मालिश करके सोएं। इससे क्या होती है ना दोस्तों, हमारे त्वचा भी मुलायम होते हैं एवं पैर में अगर मालिश करते हैं तो हमारी एड़ियां और पैर की त्वचा भी मुलायम रहती है। तीसरा, फलों में ऐसे एंजाइम होते हैं जो आपकी एड़ियों की त्वचा को मुलायम बनाए रखते हैं। पैरों को साफ करने के बाद एड़ियां पर पपीते का या केले के कुछ देर तक मसाज करें, एड़ियां नर्म बनी रहती है। चौथा, अगर एड़ियां बहुत जल्दी क्रैक हो गई है तो नीम और हल्दी के पेस्ट को आजमाएं। पांचवा, चाहे कितनी भी अच्छी क्रीम क्यों ना हो, एड़ियां को मुलायम बनाए रखने के लिए रोज इन्हें साफ करना और नमी देना बेहद जरूरी है, इसे कभी ना भूलें। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज के लिए हमारे टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए आयुर्वेदिक बाबा में आप लोगों का इतना स्वागत है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों और लाइक भी जरूर कर दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।